कैंपस काफी अच्छा है। मतलब मैंने आज तक मेरे पूरे लाइफ टाइम के जो सबसे बेस्ट सनसेट देखे वो एनआईटी से ही देखे हैं, मेरे बास्केटबॉल कोर्ट में बैठ के देखे। तो वो इट लिव्स अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ बीइंग इन नॉर्थ ईस्ट कॉलेज। एक्चुअली हमारा कॉलेज का गर्ल्स टू बॉयज रेशियो बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज से काफी अच्छा है। हमारे फॉर टू बॉयज देयर इज वन गर्ल। सो यहाँ पे प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप के लिए अपने मन से एफर्ट डालना पड़ता है। यहाँ पे स्ट्रगल है बेसिकली। हमारे पूरे नागालैंड का दी ओनली साइंस सोसाइटी है हमारे कॉलेज में। वहाँ पे इसरो के साइंटिस्ट आ चुके हैं कई बार, और इट लिव्स अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ बीइंग फ्रॉम एन एनआईटी इन। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम कर रहे होंगे एनआईटी नागालैंड का रिव्यू। और एनआईटी नागालैंड का रिव्यू हम करवाएंगे एनआईटी नागालैंड के ही एक स्टूडेंट से जिनका नाम है हिमांचल। तो यार, बेसिकली हमने एक इनिशिएटिव लिया है जिसमें हम अपनी कॉलेज इनसाइडर सीरीज में सारे NITs, IITs एंड ट्रिपल IITs कवर कर रहे होंगे, और सारे के सारे जो भी रिव्यू होंगे वो हम करवाएंगे उन्हीं के कॉलेज स्टूडेंट से। तो यार, बेसिकली हमने ये इनिशिएटिव इसलिए लिया है ताकि आपको एक इनसाइड नॉलेज मिल पाए कि वो कॉलेज कैसा है, यानी कि एकदम ऑनेस्ट रिव्यू कॉलेज का मिल पाए। तो हम बेसिकली काफ़ी सारे ऑलरेडी रिव्यूज़ कर चुके हैं, तो वो आपको यहाँ पर शो हो रहे होंगे। तो यार, ज़रूर से यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप ऐसे ही देखना चाहते हो और बढ़िया बढ़िया कॉन्टेंट और बढ़िया बढ़िया रिव्यू। और रही बात आज के NIT नागालैंड के रिव्यू की, यार ये थोड़ी वीडियो से लंबी है, तो वीडियो अगर आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में स्किप करना चाहते हो तो उसका भी काम हमने आसान कर दिया है। टाइम स्टैम्प हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, ठीक है? तो यार, बिना टाइम वेस्ट करे यार अब इस वीडियो को करते हैं इंट्रो के बाद स्टार्ट। इस वीडियो में होगा एनआईटी नागालैंड का रिव्यू, और एनआईटी नागालैंड का रिव्यू हम करवाएंगे उन्हीं के कॉलेज स्टूडेंट से जिनका नाम है हिमांचल। तो यार, सबसे पहले तो उनको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देते हैं और उनके बारे में जान लेते हैं। सो लेट्स इंट्रोड्यूस हिमांचल। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमांचल वाट है। मैं सेकेंड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ और NIT नागालैंड में पढ़ रहा हूँ फिलहाल। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि वाई एनआईटी नागालैंड, मतलब बाकी सारे एनआईटीज या कोई भी कॉलेज से आपने कंपैरिजन में एनआईटी नागालैंड क्यों चूज करा? ओके ओके। जब जोसा का अलॉटमेंट सीरीज चालू था तब मुझे बाकी नॉर्थ ईस्ट के कॉलेजेस लग रहे थे। फिर मैं सीसैब में बैठा था कि आई थॉट ऑफ एन अपग्रेडेशन फॉर माय सीट। तो एंड आई द ओनली टू क्राइटेरियाज आई हैड वाज फर्स्ट इट शुड बी अ नॉर्थ ईस्ट कॉलेज एंड द सेकंड शुड बी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आई वाज पैशनेट अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड हेंस आई वेंट फॉरवर्ड विद इट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर कॉलेज कैंपस कैसा है एनआईटी नागालैंड का, क्योंकि एनआईटी नागालैंड के बारे में ज्यादा इतना मतलब कि कहीं पे नई भी नहीं है इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन। तो एक बार अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर दो कि कैसा कैंपस है एनआईटी नागालैंड का एंड कितना बड़ा है एंड ऑल दैट। तो अगर कैंपस की बात चालू है तो कैंपस काफी अच्छा है। मतलब मैंने आज तक मेरे पूरे लाइफ टाइम के जो सबसे बेस्ट सनसेट देखे वो NIT से ही देखे हैं, मेरे बास्केटबॉल कोर्ट में बैठ के देखे। तो वो इट लिव्स अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ बीइंग इन नॉर्थ ईस्ट कॉलेज। तो अब फीस की बात करी जाए तो फीस कितनी है और स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है या नहीं? हाँ, स्कॉलरशिप है एंड वी द होल फीस इंक्लूडिंग मेस एंड ऑल एवरीथिंग इज अराउंड 92,900 पर ओके। सेमेस्टर? एंड पर सेमेस्टर या मेस फीस इज 18,000 डाइनिंग। तो अगर हम कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें, यानी कि वहां की लाइब्रेरी हो गई, आपकी लैब्स हो गई, इन सब का कैसा है, मतलब ओवरऑल कैसा है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर? NIT हमारी NIT 2010 में ही बनी है, तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर काफी न्यू है और काफी वेल मेंटेन्ड है। बेसिकली जो लैब्स वगैरह हैं उसमें कुछ कुछ आपके डिवाइसेस ही फॉल्टी है, बट वो भी रिप्लेस हो जाते हैं। हमारा एक चीज में सपोर्ट काफी अच्छा है कि हमारे जो डायरेक्टर सर है वो हमसे डायरेक्टली बात करते हैं, तो इनकेस हमारा कुछ कंप्लेंट रहता है तो वो सीधे सुनते हैं और वो ट्राई करते हैं कि जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट हो जाए। राइट।
ओके, तो फैकल्टीज एंड प्रोफेसर की बात करी जाए तो वो कैसी है वहां पे? फैकल्टीज एंड प्रोफेसर आर वेरी गुड. अगर आप उनसे रिस्पेक्ट से बात करोगे तो वो आपको उतना ही रिस्पेक्ट देंगे, और वो तो मेरे ख्याल से सभी कॉलेजेस का वैसा ही है. आप जितने अच्छे से उनसे बात करोगे वो उतने अपॉर्चुनिटीज आपको देते हैं. हाँ, कुछ कुछ प्रोफेसर हैं जिनका मतलब वो होता ही है, जिनका पढ़ाना उतना क्लियरली समझ नहीं आता. बट जैसा कि हर इंजीनियरिंग कॉलेज का ये रूल है कि खुद के इससे एफर्ट देना पड़ता है, तो वो चीज है, आपको खुद के मन से एफर्ट देना ही पड़े. सुनाओ, हॉस्टल के बारे में जान लेते हैं कि हॉस्टल के इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे वहाँ पे, एंड आपके हॉस्टल लाइफ कैसी रही, एंड ओवरऑल आपका जो मेस फूड है इन सब का क्या रहता है? फर्स्ट अगर हॉस्टल की बात करी जाए तो हमारा हॉस्टल काफी अच्छा है. मतलब अगर आप देखोगे तो एक रूम में दो या तीन लोग रहते हैं, और उनके हिसाब से रूम काफी बड़ा है. सबको सेपरेट अलमीरा है, और एक काफी बड़ा विंडो है जहाँ से सनलाइट वगैरह, मतलब एयरी है रूम, और दो डोर है, एक बालकनी है. सो इट इज वेरी गुड, एंड यू आल्सो एंजॉय द बेनिफिट ऑफ सीइंग द सनसेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट. एंड इफ यू टॉक अबाउट द हॉस्टल लाइफ, एवरी हॉस्टल लाइफ इज अमेजिंग बिकॉज ऑफ द फ्रेंड्स एंड नॉट बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर. वी हैव एवरी अदर फैसिलिटीज इन आवर हॉस्टल, लाइक गीजर एंड ऑल, गीजर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एवरीथिंग बेसिक इज ऑलरेडी देयर. मेस का खाना इज आई वुड से बिलो एवरेज एंड एवरेज इन द मिडिल बैंड. इट इज नॉट दैट बैड एट टाइम्स, एंड इट इज नॉट दैट गुड, सो इट फ्लक्चुएट. तो अब सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन कैसा रहा था उसके बारे में बात कर लेते हैं, और क्या रैगिंग वगैरह होती है कॉलेज में या नहीं? नहीं, हमारे कॉलेज में रैगिंग तो नहीं होती, लेकिन एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ था हमारा सभी सीनियर से, ताकि सब आपस में एक दूसरे से जाने, और मेरे ख्याल से वो नेसेसरी भी. और हमारे सीनियर्स काफी सपोर्टिव है सभी चीज को लेके. अगर आपके मन में कुछ आइडिया आता है, कोई नया चीज इनोवेट करना है, तो वो सामने से आते हैं, और मतलब एक बॉन्ड है हमारे बीच में कि आप कुछ चीज अगर इनोवेट करना चाहते हैं तो हेल्प मिलती है उनसे. सो अब गर्ल्स टू बॉयज रेशियो के बारे में जानते हैं, तो NIT नागालैंड का गर्ल्स टू बॉयज रेशियो कैसा है वहाँ का? एक्चुअली हमारा कॉलेज का गर्ल्स टू बॉयज रेशियो बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज से काफी अच्छा है. हमारे फॉर टू बॉयज देयर इज वन गर्ल, आई मीन फॉर द रेशियो बॉयज टू गर्ल्स इट इज 2:1, एंड आई थिंक इट इज क्वाइट गुड. फॉर आर बैच वी हैड 150 टोटल स्टूडेंट्स, एंड आउट ऑफ व्हिच 50 वर गर्ल्स एंड 100 वर बॉयज. एंड सो योर मैकेनिकल में भी होगा, एंड योर हाँ, मैकेनिकल में 5 लड़कियां हैं भाई, 5 लड़कियां आउट ऑफ 25 स्टूडेंट्स, सो इट इज नॉट दैट बैड. तो अब उस क्वेश्चन की बात करते हैं, जो किसी भी कॉलेज को सेलेक्ट करने में एक्स फैक्टर रहता है उसका, तो उसकी प्लेसमेंट और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं NIT नागालैंड? या सो यहाँ पे प्लेसमेंट्स और इंटर्नशिप के लिए अपने मन से एफर्ट डालना पड़ता है. यहाँ पे स्ट्रगल है बेसिकली, अपना वर्थ प्रूव करने के लिए. अभी NIT नहीं है हमारे, तो उतना ब्रांड इमेज है नहीं इसका बेसिकली, जो बाकी NITs का है. लेकिन ये कोई भी एस्पेक्ट में ऐसा पीछे नहीं रुकता. आपको जो जिस चीज का सपोर्ट चाहिए वो आपको कॉलेज से मिल जाएगा, लेकिन आपको एफर्ट अपने मन से थोड़ा ज्यादा डालना पड़ेगा. अभी फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट इंटर्नशिप्स की बात करें, तो इंटर्नशिप्स के लिए आपको आपके खुद का रीच का भी हेल्प लगेगा, और जो एडमिन है, जो टीचर्स है आपके, वो कुछ रिकमेंडेशंस और कुछ हेल्प कर सकते हैं उस रिगार्ड. और फॉर जॉब्स हमारा TNP जो है वो अभी एवरी ईयर एवरी बैच काफी अच्छा होते जा रहा है, सो इट इज गेटिंग बेटर. द एवरेज इज अराउंड 6 लाख, एंड या वी हैव अराउंड 70-80% प्लेसमेंट रेट. तो अब बात करते हैं कॉलेज के फेस्ट कैसे होते हैं, एंड सोसाइटीज एंड क्लब्स कैसे हैं कॉलेज के? हमारे कॉलेज के फेस्ट एक ग्रैंड फेस्ट होता है, नागालैंड का सबसे बड़ा फेस्ट रहता है. पूरा हमें संभालना होता है. उसका नाम होता है एकारिक दिन. वो एनुअल टेक्नो कल्चरल फेस्ट है, तो उसमें सभी चीजें आती है, सिर्फ टेक्निकली नहीं होती, कल्चरल भी साथ में ही हो जाती है. एंड क्राउड अच्छा आता है, नागालैंड के काफी टीन्स उसमें आते हैं, एंथुजियास्ट आते हैं. एंड सोसाइटीज एंड क्लब्स की बात करें तो हमारे पूरे नागालैंड का दी ओनली साइंस सोसाइटी है हमारे कॉलेज में, जो कि काफी अच्छा फंक्शन करता है. वहाँ पे इसरो के साइंटिस्ट आ चुके हैं कई बार, और इट लिव्स अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ बीइंग फ्रॉम एन NIT इन कॉलेज.
एंड क्लब्स के लिए तो इट इज वेरी मच, मतलब आपको जो स्किल चाहिए उस पे पॉलिश करने के लिए देर इज ऑलमोस्ट अ क्लब प्रेजेंट देयर, सो यू कैन कम टू आवर कॉलेज एंड पॉलिश योर स्किल्स. हाउएवर देर आर सम ऑफ द क्लब्स विच आर नॉट दैट एक्टिव, बट इट डिपेंड्स फ्रॉम ईयर टू ईयर. आर कॉलेज इज गेटिंग बेटर विद ईच बैच कमिंग. सो अब थोड़ा एकेडमिक्स से अलग होके बात करते हैं एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के बारे में जान लेते हैं. तो कौन कौन से स्पोर्ट्स अवेलेबल है एनआईटी नागालैंड में एंड क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है वहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए? हमारे कॉलेज में बैडमिंटन फैसिलिटीज है, टेबल टेनिस फैसिलिटीज है, आपके पास जिम है जो कि 24/7 खुला रहता है, एक बास्केटबॉल कोर्ट है, एक कबड्डी का ग्राउंड है, एंड ऑल्सो वी हैव अ क्रिकेट ग्राउंड, बट वो हमारे कैंपस के बाहर है, तो बट उसका एक्सेस मिल जाता है, तो हमारे जितने स्पोर्ट्स मीट होते हैं वो सब वहाँ पर ही होते हैं. और नॉर्थ ईस्ट का कॉलेज है और तो यहाँ पे फुटबॉल को काफी इम्पोर्टेंस दिया जाता है, तो हमारे जितने मतलब इंटरनाइटी में हमारे यहाँ से काफी ज्यादा लोग जाते हैं और काफी अच्छे लोग जाते तो अब बात करते हैं यार कॉलेज के एलुमनाई नेटवर्क के बारे में. तो कैसा है वहाँ का एलुमनाई नेटवर्क, और आसानी होती है एलुमनाई से कांटेक्ट करना हो तो? हैं. तो हमारा एलुमनाई जो है वो काफी डाइवर्स है, कुछ लंदन में है तो कुछ ऑस्ट्रेलिया में है, कुछ अमेरिका में है, तो सभी काफी अच्छे एमएनसीज में प्लेस्ड है. अगर आप चाहे तो इनसे काफी इजीली बात हो जाती है, देर इज नो इशू कॉन्टैक्टिंग देम. या दे आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल. आई माई सेल्फ कॉन्टेक्टेड अ फोक्सवैगन इंजीनियर फॉर सम गाइडेंस एंड ही हेल्प मी अलॉट विद दैट रिगार्ड. ओके हिमांचल, सो इस वीडियो को एंड करते हैं कंक्लूजन के साथ. तो अभी तक की तुम्हारी जो भी जर्नी रही एनआईटी नागालैंड में वो कैसी रही, मतलब कंक्लूजन देना हो एंड कोई मैसेज जो तुम देना चाहो स्टूडेंट्स को जो फ्यूचर में एनआईटी नागालैंड को ज्वाइन करेंगे. मेरा जर्नी एनआईटी में आके काफी काफी अच्छा रहा है. मेरे अंदर पर्सनालिटी वाइज काफी चेंजेस आए हैं. द चैलेंजेस व्हिच यू टेक अप रियली ट्रांसफॉर्म्स योर कैरेक्टर एंड एवरीथिंग. और इसका अगर जेई स्टूडेंट से उनके लिए अगर यही एक मोटिवेशन है, आप 2 साल इतना मेहनत करते हो कि आप एक अच्छे कॉलेज जाओ, और जब आप कॉलेज जाते हो तो वहाँ पे इतने अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, उनको ग्रैब करना है, और यही चीज है. ये कॉलेज के टाइम आपको मस्ती हो जाएगी, बस ये 2 साल अच्छे से पढ़ चलो थैंक यू वेरी मच हिमांचल अपने कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, बिकॉज एनआईटी नागालैंड की उतनी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली इंटरनेट पे. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. और अगर आप में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं अगर उनको कोई भी डाउट रह गया इन रिगार्डिंग एनआईटी नागालैंड तो वो हिमांचल से पूछ सकते हैं. उनके सोशल मीडिया का हैंडल जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे. एंड अगर आपको हमसे कोई भी डाउट रहता है तो आप कॉमेंट करके पूछ लेना या फिर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जाके भी पूछ सकते हैं. और उसी के साथ साथ अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देना एंड मेक श्योर करना कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज फ्यूचर में भी हम ऐसे कई सारे कॉलेज रिव्यूज लाने वाले हैं अच्छे अच्छे तो यार मिलते हैं आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में. टिल देन स्टे सेफ स्टे हैप्पी एंड वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो.